फिर भी 30 रुपए 30 रुपए तो अभी बज रहे सुबह के 11:45 और हम लोग आए ड्राई आइस लेने के लिए यहाँ पे दुकान पे कॉलेज जाने से पहले ड्राई आइस ले रहे। अभी तक तो बनी नहीं, बर्फ़ नहीं बना, देखना है कब बनता क्या है, लेकिन ड्राई आइस तो ले रहे, एक होप ड्राई आइस से बनता हूँ तो वही एक भी बर्फ नहीं मिली, नहीं बनी। अब ये देखो इन्हें बनी, अब इसको लगाई सर, इन्हें बनना शुरू हो गया। हम लोग वो ले लेके जा रहे, पीछे कार्टून दिख रहा आप लोगों को, वो कार्टून में पेप्सी है, वो पॉप्सिकल्स है, पॉप्सटिकल्स क्या बोलते हैं ब्रांड, पॉप स्टिक्स है। तो वो ले लेके जा रहे हम लोग कॉलेज को। अभी ड्राई आइस तो डाले इसके अंदर, देखना है बनती नहीं बनती, डर लग रहा है। कारोबार में चलता ऊंच नीच सब चीज, तो आप लोगों को कॉलेज जाके मिलता हूँ। बाहर के मुंडा फड़ारे लगा दो नहीं 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 राइट गरम गरम गाड़ी पे बिठा है इसको, हटाओ तुम खाली हटो बोलो खुद ही चढ़ जा रहे इसको देख के हटो बोल, अरे गाय ब्रेक तो मार इब्राहिम। तो अपना रीच हो गए कॉलेज में, इब्राहिम कहाँ है, तो अपना अभी फिलहाल रीच हो गए कॉलेज में। इब्राहिम भाई कहाँ है, इब्राहिम बाहर, अच्छा वहाँ है, तो वहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, हम लोग की पुरानी वाली स्टॉल लगी हुई है स्मैश द फिश की, आगे दिखा दो ये वाली स्टॉल जो हम लोग की थी लास्ट टाइम। पूरे हम लोग के ऑलमोस्ट बर्फ बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बिक भी गए तो बहुत अच्छी बात है। अहमद चिल्ला कर, 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए इधर नहीं उधर 30 रुपए तेलुगु नहीं आती फिर भी 30 रुपए 30 रुपए मोटू जीरो रहता नीचे उतरो। सुबह से सेल्स चल रहे थे, अच्छे खासे सेल्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बाकी के पूरे बर्फ बने हुए हैं, थोड़े से बचे हुए हैं बनने का होने का, तो अब मैं जा रहा हूँ पूरे स्टॉल से आगे एक्सप्लोर करने के लिए। इब्राहिम अहमदुल्ला स्टॉल संभाल लेते हैं कि, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो आप लोगों को हर एक स्टॉल पे जाते हैं। इट इज़ सो फन टू वॉच देम। तो यहाँ पे चिल रोस्ट किचन की स्टॉल है, विच हैव कबाब्स एंड दिस इज़ रैप स्टॉल, आइसक्रीम स्टॉल एंड सबसे मेन वो यहाँ पर है, ये हमारी आइस गोला की स्टॉल। आई केम बैक ब्रो, तो आप लोग आतिफ भाई को तो पहचानते होंगे, शकील भाई को भी पहचानते हैं। इसके आगे हॉट डॉग की भी स्टॉल लगी यहाँ पर, तो सो फन वॉचिंग दैट स्टॉल। और ये स्टॉल थी हमारे उदय भाई की, सो इट वॉज फन वॉचिंग द स्टॉल। ये स्टॉल थी हमारे उदय भाई की, किश ट्रिकी आइसक्रीम। और ये सारा इवेंट जो मैनेज हुआ हुआ, इतना बड़ा इवेंट और काफ़ी सारे इवेंट जो मैनेज होते कॉलेज में, ये मैक्सिमम इवेंट्स हमारे उदय भाई मैनेज करते और पूरा काम हमारे उदय भाई के जिम्मे। हम ना कॉलेज में थे जब भी हमारे उदय भाई मैनेज करते थे सब चाले। और आप लोग सिर्फ हम रहे तक, उसके बाद क्या होता है पता, आने वाले साल भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, आइए नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर आके दही पूरी खाइए। बच्ची का नाम सॉरी नहीं बोल सकते हम लोग, आप लोग दही पूरी की स्टॉल को आइए नेक्स्ट ईयर, टेस्ट कर लिया मैं दाल नहीं नहीं खा के जो इतना जिद कर रहे तो क्या है, आइए 5 बजे से पहले मैं
चाहिए आपके आने लिया आने वाले साल आइए कल आता है वही 5 बजे से पहले पाव भाजी की स्टॉल है ये टेस्ट कराइए आप पहले आगे भी पूरे यहाँ से क्या करते हैं आपका हाथ का अल्लाह वाले बस तो कैसा है ये भाई 5 बजे तक है फिर से आओ भाई तो आने वाले सब्सक्राइब टू केके ब्लॉग्स हां ये बात है भाई ये आगे बढ़ते हैं स्ट्रॉबेरी शेक मोहब्बत आइसक्रीम की भी स्टॉल है हमारे कॉलेज में सिर्फ आप लोगों को एग्जीबिशन में नहीं हमारे कॉलेज में मस्कट की आइसक्रीम की स्टॉल मिलेंगी दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कारवे मास्टर स्वीट कॉर्न स्वीट पोटैटो दिस इज पैराडाइज यो शेक से हैदराबाद कैफे में और ये सबसे मस्ट ट्राई शेक है कैफ का होने वाला तो ये गेम्स की स्टॉल है तो ये गेम्स की स्टॉल सर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसा करते हैं मैं खेलता हूँ बोलिए आप मैं खेलता हूँ ये गेम खाली एक ही बॉल को थ्रो करना है हर कप के ऊपर एक एक्साइटिंग प्राइस है रखा हुआ ओह माय गॉड अगर आप जल्द से जल्द पास करोगे हम आपका प्राइस चेंज भी कर सकते हैं तो आपको बॉल को तो ये तो गाइस ये 45 सेकंड्स में ये बॉल यहाँ से यहाँ तक लेके आना है यहाँ तक लेके आना है ब्लो करते हुए मुंह से तो हर कप के ऊपर यहाँ पर प्राइज है एक्साइटिंग प्राइजेस है 1 2 3 45 सेकंड्स में यू हैव टू क्रॉस दिस 43 42 फ्लिप करना है बलून को समझ गया मैं करता हूँ फ्रेशन है बलून नहीं जब से वो फुटे थे ना ओह वाओ ग्रेट कीप गोइंग बहुत आगे तक जाऊंगी चलो गाइस चलिए बाय बाय तो ये कुकी मॉन्स्टर की स्टॉल है द ऑल टाइम फेमस कुकी मॉन्स्टर आप लोगों को हर लीजिए ये है शवरमे की स्टॉल शवरमे की स्टॉल का ओनर कहाँ है बताता हूँ आप लोगों को द पॉप सॉकेट द किचन वी आल्सो सेल कोस्टर्स वाओ एवरीथिंग इज हैंडमेड गाइस दिस इज ऑल हैंडमेड पूरा रेजिन से बना यस सो मेरा रेजिन आई आल्सो मेक फोन कवर्स कस्टम फोन कवर्स यू हैव इंस्टाग्राम हां या आई हैव इंस्टाग्राम पेज शेशा रेजिन श्योर यहां पे चिकन पॉपकॉर्न की स्टॉल है ये एंड क्रशर्स भी है यहां पे ये टी-शर्ट्स भी आपकी स्टॉल के है अहमद भी सेम टी-शर्ट पहन के है इसमें से एक तो अभी ये घूमते घूमते हम लोग हमारी स्टॉल को पहुंच चुके हैं तो ये आइए भाई ये सब हमारे लोग हैं ये ग्रेप्स है ये लेमन है ये लिम्का है भाईयात और ऐदी गुंडे लोग हैं ये हाँ यही दिख रहा है आपको खत्म कर दिया पूरा इट्स ऑल वैनिश्ड स्टॉल है यहाँ पर आप लोगों को बाहर बताता हूँ काफी खूबसूरत तरीके से डेकोर हुई हुई थी आप लोगों को बताता हूँ तो मुझे एक बार ट्राई करने वाला चलो चलो अरे पूरे हिल गए मामा पूरे हिल गए तो एनक पेन के नाइस दिन नहीं दी गए दो शॉट बनता यार ये तो बनता है द ऑल टाइम फेमस पानी पूरी की स्टॉल है यहाँ पर पानी पूरी की स्टॉल चल रही है ये हमारे भैया बेहतरीन मेहनत करे सुबह बॉल से गिराना एक ही शॉट में गिराना समथिंग इंटरेस्टिंग चल रहा है खेलेंगे बॉल दो बॉल दियो जी तो कितने पूरे गिराना है पूरे गिराना एक शॉट
एक शॉट में पकड़ो वीडियो में। कबाब का स्टॉल है भाई का कबाब का स्टॉल है तो ये स्टॉल तहलका मचा रही थी, इंसानों को खड़े रहने जगह नहीं थी यहाँ पे स्टॉल के टाइम पे, और ये स्टॉल अब की बार खाली पड़ी। फाइनल व्यू पूरे उसका दिल कैसे करता गाली देने माँ की, छोड़ते हैं लोग उनको बुरा पे। फिलहाल मैं नमाज पढ़ के निकला मस्जिद से, पीछे दिख रही आप लोगों को मस्जिद, तो काफ़ी टाइम के बाद नमाज़ पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा, नमाज़ पढ़ के सुकून दिख रहा, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी नमाज़ पढ़ने के बाद कि कॉलेज में आके रोज़ नमाज़ पढ़ते थे वह इंच नहीं आ रहे, अब कितने दिनों के बाद आए कॉलेज को और नमाज़ पढ़े तो अलग वाइब अलग फीलिंग। ये बैक गेट थी कॉलेज की, यहाँ से अब कभी गेट लॉक हो गई तो कूद के जाते थे अंदर, बाद में वो ग्रिल्स लगा दिए बच्चे कूद के आ रहे बल्कि तो जाने नहीं दिए, तो काफ़ी चीज़ें याद आ गए कॉलेज में ऊपर आने के बाद कॉलेज पे। यहाँ पे अभी वापस नीचे जा रहा हूँ फेस्ट में ग्राउंड के पास, तो देखेंगे क्या चल रहा, इब्राहिमुल्लाह बोले नहीं कुछ भी क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, सो तो वहाँ जाके मिलता हूँ आप लोगों से। स्टॉल पे तो नहीं बिक रहा था लेकिन थोड़ा और नहीं यहाँ आप लोग नहीं आते तो हमला एक्टिवा के ऊपर निकाले थे, फिर रहे देखिए लेमन। सो गाइस नीचे जाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, कोई स्टॉल पे बेचे और एक दो लड़ाइयाँ हुए थे लोगों के एंट्री के ऊपर, तो वो वजह से आगे कोई इवेंट्स कंटिन्यू नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग यहाँ पे ही एंड करता हूँ, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ काशिफ खान व्लॉग्स के।